हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप सबका स्वागत है इंडिया वीकेंड चैनल पे। भारत में इस समय मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं और उनमें से ही एक है ECEC यानी कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत का पहला कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा जो कि भारत की 2500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन को कवर करेगा और इस कॉरिडोर को ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मदद से तैयार किया जाएगा। ADB इस कॉरिडोर के लिए $500 मिलियन देगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 states को कवर करेगा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। इस कोस्ट लाइन पर भारत की 20% जनसंख्या रहती है और भारत की GDP में कम से कम $533 बिलियन का योगदान देती है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डेवलप करने का एक और कारण है कि भारत के 12 मेजर पोर्ट्स में से 7 मेजर पोर्ट्स इसी कोस्ट लाइन के तहत आते हैं। चेन्नई, इंदौर, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। इन सब के कारण ही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया गया। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा 3 phases में। Phase 1 में कवर किया जाएगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा आंध्र प्रदेश का। Phase 2 में तमिलनाडु के अंदर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा और Phase 3 में ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर और वेस्ट बंगाल इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत नॉर्थ से लेकर साउथ तक 800 किलोमीटर के एरिया को डेवलप किया जाएगा। इस कॉरिडोर के वजह से इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ दिया जाएगा ताकि इक्वली ही डेवलप किया जा सके। इस कॉरिडोर के वजह से जितने भी सारे बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं आसपास में, उन सबको जोड़ दिया जाएगा। इस कॉरिडोर को 9 districts में डेवलप किया जाएगा जिसमें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और चेन्नई के अर्बन एरिया कवर होगा। इस कॉरिडोर से फार्मर्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा क्योंकि इन्हीं तीनों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस स्टेट में होता है। VCIC पूरी तरह डेवलप होने के बाद यह अनुमान लगाया है कि 2045 तक GDP में 20% का उछाल देखा जाएगा और 95 लाख जॉब क्रिएट करेगा। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तमिलनाडु के 23 districts में डेवलप किया जाएगा। तमिलनाडु को जाना जाता है ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ तमिलनाडु में 3 major ports हैं और 2 minor ports हैं जो कि हर साल 240 million tons का कार्गो ट्रांसपोर्ट करती है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3rd phase में डेवलप किया जाएगा ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर को। वो इसी के अंदर ओडिशा के 20 districts आएंगे, मतलब 80% ओडिशा को ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा राइस और स्टील का प्रोडक्शन ओडिशा में ही होता है। ओडिशा भारत की GDP में कितना प्रतिशत रोल निभा सकता है, आप इस प्रोजेक्ट के डेवलप होने के बाद अनुमान लगा सकते हैं। भारत की इकोनॉमिक रैंकिंग में वेस्ट बंगाल 4th number पे आता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है $155 बिलियन। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में 6th number पे वेस्ट बंगाल है और सर्विस सेक्टर में 4th number पे, जो कि 40 मिलियन जॉब देता है। देश के 20% मिनरल्स का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल से ही होता है और 10% आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट। वेस्ट बंगाल स्ट्रेटेजिक रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे का रास्ता है, जिसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, एशियन हाईवेज हैं, 2 सबसे बड़े बल्क हैंडलिंग पोर्ट्स हैं कोलकाता और हल्दिया में, और 2 international एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारे वाटरवेज भी हैं। वेस्ट बंगाल में इम्पोर्टेंट रूट्स है NH-16 यानी कि सोना कातिया से कोलकाता, और साथ ही साथ NH-112 जो कि कोलकाता से बंगाओ तक जाएगा बांग्लादेश बॉर्डर तक, जो कि बाद में NH-60 से जाके कनेक्ट हो जाएगा, जिसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाऊंगा और जितने भी बचे हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उन सब के ऊपर धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।